बताओ शंकर जी सांपों की माला क्यों पहनते हैं? इसके पीछे एक मैसेज है, एक शिक्षा है, एक छिपा हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान तक आप लोग पहुंचते ही नहीं हैं और आप उस ज्ञान से सारी जिंदगी वंचित रहते हैं। आज ये दास अनिरुद्ध आपको बताएगा कि भगवान शंकर सांपों की माला क्यों। सांप को कहते हैं काल, काल अभ्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहेतवे। सर्प को क्या कहते हैं? जोर से, जहां मिल जाए आदमी डर जाता है, काल आ गया। सर्प है काल और शंकर जी ने गले में काल को लटकाया है, इसलिए शंकर जी का नाम है कालों के काल महाकाल। अब गले में सांप क्यों लटकाए? शंकर जी कहते हैं कि सारी दुनिया, सारा संसार काल से डरता है। सारा संसार काल से डरता है, लेकिन शंकर जी कहते हैं मेरे दिल में कौन है? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जिनके हृदय में सीताराम बसते हों। मानो शंकर जी कहते हैं कि जिसने अपने हृदय में सीताराम को बिठा लिया, वो अपने काल को भी गले में लटका करके घूमने की ताकत रखेगा। काल से डरने की जरूरत नहीं। काल से वो लोग डरते हैं जिनके हृदय में सीताराम नहीं होते। जब सीताराम हृदय में होंगे तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ ना सकेगा, वो आपके सिंगार बनकर आपकी और शोभा बढ़ाएगा। जैसे शिव के गले में काल शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। अच्छा, शंकर जी ने गले में सर्पों की माला इसलिए भी पहन रखी है क्योंकि हमारी माताएं सोने की माला पहनती हैं, सोने का हार, सोने का, आप लोग भी सोने की चैन। जब बंटवारा होता है आखिरी में भाई भाई का, तो लड़ाई हो जाती है, ये वाली चैन हम लेंगे, ये हार हम, बहुएं झगड़ पड़ती हैं, ये हार हमारा। क्यों मैया? शंकर जी कहते हैं कि सोना चांदी धन विवाद का कारण हो सकता है और भगवान के भक्त को विवाद में नहीं उलझना चाहिए, इसलिए शंकर जी ने कहा सोना चांदी पहनेंगे तो विवाद हो सकता है, इसलिए सर्पों की माला पहनेंगे निर्विवाद रहेंगे, इसलिए भोलेनाथ सर्पों की माला धारण करते हैं।